नमस्ते कैसे आप सब लोग अगर ये साइड आपको दिख रहे हैं तो सामने वाले इंसान ने आपको याद किया है आ, याद पर जब भी मैं वीडियो करती हूँ ना आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए मैं याद पर थोड़ा थोड़ा काम भी करती हूँ और वो जो एक्सपीरियंसेज होते हैं ना वो वहाँ से चीज़ों को लेकर के आती हूँ और आप लोगों के साथ में इसको शेयर करती हूँ ठीक है तो आप भी ये जानना चाहते हो कि सामने वाले ने याद किया है बचपन में ना एक बात थी Uh, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि किसी को हिचकी आई तो कोई याद कर रहा है सुना है मैंने तो बहुत सुना है तो फिर क्या करते थे ना हम लोग नाम लेना शुरू करते थे और ऐसा भी कहा जाता था कि हिचकी अगर आई हो और उस इंसान का आपने नाम ले लिया और वो रुक गई तो फिर उसी इंसान ने आपको याद किया तो मुझे बचपन में ना ऐसे लगता था कि ये याद करने का तरीका है कि आपको हिचकी आई ठीक है अब हम याद कर रहे हैं मुझे मेरे मामा जी ने याद किया अच्छा मुझे उसने याद किया अच्छा मुझे उसने याद किया न्यूज़ फ्रेंड ने याद किया और आप ये देखिए ना ये किस तरह से काम कर रहा है कि हम याद कर रहे हैं और उसमें जिस भी नाम पर वो हिचकी रुक गई ठीक है तो हमने ये सोचा और ये उसने मुझे याद किया तो एक ये तरीके की ये टेलीपैथी थी तो अगर अब वो हिचकी आ रही है तो अब ये समझिए <laughs> ये बड़ी स्टुपिट सी बात है लेकिन अब बचपन से सुनी है बचपन से देखी है तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला याद करे ना करे पर यह हमारा याद करने का तरीका होता है और फिर इसमें ये चांसेस भी हो जाते हैं कि सामने वाले को हिच आएगी और सामने वाला भी क्योंकि ये कहावतें ये बड़ी नॉर्मल सी हैं हम सब ने ही सुनी होती हैं तो सामने वाला भी हमारे एक थॉट को क्रिएट कर सकता है ठीक है तो हाँ एक हिचकी एक ऐसी चीज़ मैं ले सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से इस चीज़ ने काम किया है और हम सबकी प्रोग्रामिंग है जितने लोगों ने ये कहावत सुनी है ना उन सब ने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में इस बात को प्रोग्राम करके रखा है कि हिचकी आ रही है ना तो कोई आपको याद कर रहा है ठीक है तो आप इसे एक साइन मान सकते हो कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो आप भी इनडायरेक्ट वे में उसे याद कर रहे हो और वो भी आपको याद करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये टेलीपैथी है और बहुत सिंपल है ठीक है तो अगर आपको हिचकी आ रही है तो फिर आ, आप ये मान सकते हो अगर उनके नाम पर आपकी हिचकी रुक गई है तो आ, देखो इसको ना यार एकदम अंधविश्वास के साथ नहीं जोड़ना इसको थोड़ा मज़ेदार तरीके से जोड़ना कि हिचकी में बेसिकली मैंने उनको याद किया है तो ये टेलीपैथी है जो कि रिजल्ट के रूप में उनके पास गई है और वो पलट करके मेरे पास में आई है ठीक है इस तरीके से लोगे ना तो आसानी से समझ जाओगे इसके बाद आपका ना किसी भी एक मेमोरी को लेकर के ना याद करना और खुश हो जाना कॉन्शियसली नहीं कर रहे आप ये सडनली कुछ टाइम बीत गया आपका एक महीना दो महीना ऐसे निकल गए और सडनली कोई एक बहुत ही प्यारी सी थॉट मेमोरी जो आपका बहुत बेस्ट टाइम था जब आप उनके साथ में थे और आपको वो याद करते ही आपके चेहरे पर ना एक ऐसी स्माइल आ गई कि आपको ही नहीं समझ में आ रहा आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है Uh, आपको फील हो रहा है बस कि आप स्माइल कर रहे हो और वो थॉट सडनली आएगी आपके माइंड में ऐसा नहीं देखो ये वहां नहीं है कि आप कॉन्शियसली लगे पड़े हो उस इंसान को याद करने के लिए मैनिफेस्ट करे जा रहे हो तब तो ये अक्सर होता रहेगा आपके साथ नहीं ये अचानक हुआ आपके साथ आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे सडनली वो एक पॉजिटिव थॉट आई तो यस सामने वाला आपको मिस कर रहा है सामने वाला आपको याद कर रहा है क्योंकि वो भी आपके पास वही वाइब भेज रहा है तो कहीं ना कहीं मेमोरी के रूप में वो आपके दिमाग से कनेक्ट हो गई है और टेलीपैथी हो गई है तो सामने वाला आपको मिस कर रहा है सडनली होगा ये और काफ़ी टाइम के गैप में होगा अगर आप कंटिन्यू मैनिफेस्टेशन पे लगे हो तब इस चीज़ को मत लगाइएगा प्लीज़ अदरवाइज़ आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत टाइम का गैप हो गया है कुछ भी आपके माइंड में ख्याल नहीं था एंड सडनली ऐसा होता है ठीक है अब इसके बाद जो दूसरी चीज है ना वो ये है कि आपको ना अक्सर ये इंसान है ना सपने में दिखाई देता है और सपने भी ना आपको जब इस इंसान के आते हैं ना तो आपको यादों वाले ही सपने ज्यादातर आते हैं कि वो भी आपको मिस कर रहा है या कर रही है वो इंसान ने आपको मिस किया और फिर सामने वाला इंसान आपको बोल रहा है कि यार मैंने तुम्हें मिस किया था यानी कि मिस मिस के सपने अब ये सपने भी दो तरीके के होते हैं एक तो ये होते हैं कि कॉन्शियसली आप खुद ही बहुत सोच रहे हो स्पेशली जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तब इस तरीके के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं तो ये कॉन्शियसली है ये वो याद वाला सपना नहीं है ये ब्रेक पे आएगा जैसे आप निकल चुके हो वहाँ से आपने लेट गो कर दिया है आपके थॉट में अब नहीं है आपने पिछले एक दो महीने से कुछ सोचा भी नहीं है ज़्यादा एंड सडनली ऐसा याद का सपना आ गया या तो आप बोल रहे हो कि आपने सामने वाले को याद किया है या सामने वाला आपको बोल रहा है कि यार मुझे ना तुम्हारी याद आई थी या आप याद वाली कुछ बातें कर रहे हो मिस वाली बात कर रहे हो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लोग इस चीज़ में ऐसे कन्फ्यूज़ होते हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान भी ये चीज़ें हो रही होती हैं जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो वो कॉन्शियसली होता है लेकिन जब चीजों को छोड़ देते हो ज्यादा ध्यान नहीं होता है आपका उन चीजों के ऊपर तब ये जब होता है तब ये सब कॉन्शियसली होता है और तब सामने वाला आपको मिस कर रहा होता है ठीक है इसके बाद सडनली आप ये देखते हो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उस इंसान का नाम आपको अक्सर दिख रहा था पर ये नाम अब धीरे धीरे दिखना आपको बंद हो जाता है तो ये भी बिल्कुल वो हिचकी वाली बात है कि अब आपके माइंड में तो आता है आप मुझे बहुत दिन से नाम नहीं दिखा आपने इनडायरेक्टली उसे याद किया आपने वो टेलीपैथी जो मैसेज था उन्हें भेजा अब वो मैसेज के द्वारा आप तक ये वाली बात पहुंची है कि आप को वो सामने वाला इंसान याद कर रहा है कि मुझे याद करो कि मेरी कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही अभी फिलहाल यानी कि देखिए इस जगह पर होते हैं ज्यादातर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट जब आपकी जो चीज़ें हैं ना ये इस तरीके से काम करने लग जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा डिटैच फील करते हो तब आपके सामने यूनिवर्स ऐसी चीज़ें रखने स्टार्ट करते हैं कि सामने वाले ये चीज़ें कर रहे हैं और इसके बाद ही ज़्यादातर तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि याद का नतीजा ये हुआ कि सामने वाले ने कॉल कर दिया सामने वाले ने बात की सामने वाले ने मैसेज कर दिया सामने वाला इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है ठीक है तो ये ही याद रखिए कि सामने वाला इंसान अगर आपको याद कर रहा है तो इतना ज़्यादा इन सारे साइंस के ऊपर पहले तो ध्यान दीजिए और ये देखिएगा कि वो आपके ही रोजमर्रा के थॉट्स में तो नहीं है ना अगर वो रोजमर्रा के थॉट्स में है तो कॉन्शियसली हो रही है ये चीजें आपके साथ में ये आपको वहां की तरफ से नहीं आएगी ये सब कॉन्शियसली नहीं हो रहा है लेकिन अगर वहां की तरफ से आ रहा है तो फिर ये आपके ब्रेक पे आएगा जब आपके माइंड में कुछ होगा ही नहीं आपको उस इंसान का जरा ख्याल नहीं होगा और तब आ जाएंगी ये चीजें तब आप समझ जाएंगे कि सामने वाले इंसान ने आपको याद किया है ये तब भी होता है बहुत ज्यादा जब आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है बॉन्ड बहुत अच्छा होता है तो आप टेलीपैथिक मैसेज से भी बात कर लेते हो आपको पता चल जाता है सामने वाला क्या कहना चाहता है आप क्या कहना चाहते हो ये बॉन्ड जब बहुत पक्का होता है ना तब होता है और जब आपको बॉन्ड बहुत खराब होता है ना तो यही मैसेज आपको

ठीक है तो इस चीज़ से आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है कि सामने वाले ने आपको याद किया है क्योंकि वो खुद ही बता देता है आपको कि यस उसने आपको याद किया था लेकिन अगर ये कॉन्शियसली चल रहा है तो सामने वाला आपको नहीं बताता है क्योंकि ये आपकी तरफ से चल रहा है उनकी तरफ से नहीं चल रहा है ठीक है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अगर आप ऐसे देख रहे हो एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ का तो कमेंट में लिख करके जरूर जाइएगा लेकिन अगर आप कॉन्शियसली लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक टाइम के बाद जब आपका लेट गो हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ये चीज़ें आपके साथ वापस होने स्टार्ट हो गई हैं और वो इंसान आपको याद करने लग गया है और सामने वाला आपको जो है ना वो मैसेज या कॉल या बात करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा अपना अपना रखिए ख्याल अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ठीक सारा प्यार लव यू ऑल टाटा